हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आज करवाऊंगा जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 2 एमसीक्यूज। तो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आप इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि ये JKSSB के एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के लिए अगर बात करूँ तो आपको ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, आपको इंडिया की ज्योग्राफी है, तो कोई भी क्वेश्चन, साइंस भी है, आपको सभी को साइंस भी है, तो JKSSB एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कल का जो लेक्चर था उसमें आपको कोई मज़ा नहीं आया सर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं थे, आपने ऐसे फालतू के क्वेश्चन किए। पर आज का जो आपका लेक्चर देखोगे ना, आपको पूरे रेलिवेंट लगेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे इन क्वेश्चन को आप शॉर्ट फॉर्म में अपनी एक नोटबुक पे नोट कर लो, तो चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट रख लो, जैसा आपका मन करे वैसा रख लो, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन जरूर कर लो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हैं। जब भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना जब सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, और फीडबैक ज़रूर देना ये वीडियो कैसी लगी आपको। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया वो साइंस का ही मिल गया हमें। विच ऑफ़ द फ्लोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों, आपने पढ़ा था लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है सर? कल हमने आपने बताया था कि हाइड्रोजन। देखिए, जब भी बोला जाएगा कि फॉलोइंग, आपको फिर जो फॉलोइंग में है उनको ही फॉलो करना है, ठीक है। इनमें से आपको चीज़ बतानी होती है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो वो क्या हुआ, टाइटेनियम है, टंगस्टन है, एरागोन है, या फिर निकल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ, सोचो माइंड में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वो है आपका एरागोन। एरागोन जो एलिमेंट्स है ये यूज़ किया जाता है, जो बल्ब होता है उसकी जो वायर होती है उसमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। एरागोन के साथ एक और यूज़ होता है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है। एरागोन के साथ एक और यूज़ होता है, देखिए ये साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि ये आ गया आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया शायद, बाजीराव जो था, पीरियड इसका यहाँ पे देख सकते हो, वाज़ द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, ये बाजीराव वन था जो, उसका पीरियड था, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? नंदा से करता था, पेशवास से करता था, हरियंका से, या मौर्या से? तो जल्दी से सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। जो बाजीराव था, पीरियड उसका जो था 1720 से लेके 1740 तक था, और रूलर था वो किस डायनेस्टी का? तो फ्रेंड्स, वो था पेशावस, ठीक है, पेशावस डायनेस्टी का, ओके। उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मयरिंग द लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड, जो इंस्ट्रूमेंट मयर किया जाता है लाइट इंटेंसिटी को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर, साइनोमीटर, या फिर बैरोमीटर? जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या करेगा, सर ने इतने बारे मीटर बताए, जो इसका आंसर होगा वो है ल्यूसीमीटर, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट मयर किया जाता है लाइट इंटेंसिटी के लिए। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो इंटरेस्टेड होगा लेक्चर के साथ, वो इन सब पे सर्च करेगा, क्रायोमीटर क्या होता है, साइनोमीटर किसके लिए काम आता है, बारोमीटर किसके लिए काम होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर बन सकता है, इस पर बन सकता है, इस पर बन सकता है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ने का आपको, जैसे कि पता है कि आपने वीडियो देखी होगी प्रिया मैम की, जिसमें उन्होंने बताया JKPSC उन्होंने किस तरह से प्री फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने क्लियर किया। उसमें उन्होंने बताया कि हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम में हमें कोई सरप्राइज क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें हमें वो इलिमिनेट करने के काम आ जाती है वो चीज़ें, ठीक है। तो यही जो एक्स्ट्रा नॉलेज है यही आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, जब आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन JKSSB पूछ रही है, विच टीम वॉन द 2016 UEFA फुटबॉल चैंपियनशिप, कौन सी? इस तरह से क्वेश्चन आपको देखा जूनियर सुपरवाइजर के एग्जाम में, आपने देखा इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है 2018 के, कभी कभी 16 के पूछ रही है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। UEFA फुटबॉल चैंपियनशिप किसने वॉन किया था? पुर्तगाल ने किया, USA, जर्मनी, या फिर ब्राज़ील में, ठीक है। किसने, किसके द्वारा किया गया ये टीम वॉन थी? तो वो थी पुर्तगाल की टीम जिन्होंने वॉन किया 2016 का UEFA फुटबॉल चैंपियनशिप। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया।
तो इनमें से कौन सा एक कॉजेज है, यानी कि एक रीजंस है रेनफॉल जो होती है विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपका ये हो गया, नॉर्थ आपका ये हो गया, और वेस्ट आपका ये हो गया, साउथ आपका ये हो गया। तो इस एरिया में जो होती है वो किसका रीज़न है, तो वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रीज़न है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ रहा हो ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं बताता चलूँगा कौन कौन सा क्वेश्चन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका थोड़ा बोर्ड से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, कौन सी इनमें से है जो इसको बोला जाता है लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फ्रांस। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है इसका, तो इसका जो आंसर है वो आपका नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे इज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन। ओके, उसके बाद आता है कौन सी ऐसी माउंटेन्स रेंज है जो कि डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ इंडिया को। आपने ये इंडिया का मैप देखा इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से है ना हमारा मैप, यहाँ पे छोटा आया, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को डिवाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रेंज है, ठीक है, तो वो रेंज जो यहाँ पे डिवाइड करती है, हिमालयस तो नहीं, हिमालयस तुम्हारे ऊपर आ गए, ये कट गया, वेस्टर्न घाट यहाँ पे आ गया, ये कट गया, एलिमिनेट हो गया। ओके, दो बचे, सतपुरा या फिर विंध्यास, सतपुरा या फिर विंध्यास, सतपुरा और विंध्यास। मैं आपको बता दूँ जो विंध्यास रेंज है वो डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ को। इस तरह से क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हो अगर आपने मैप देखा होगा। मैप को माइंड में ज़रूर रखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ जो स्टॉक एस्टन के एस्पायरेंट्स हैं मैं उनको भी बता देता हूँ, आप भी मैप को माइंड में ज़रूर रखो। ठीक है, मैप को माइंड में ज़रूर रखो, जब मैं आपको जीके करवाऊँगा टिप्स पे तो उसी तरह से मैं आपको समझा दूँगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर ऑफ फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार क्यूजेज कोई मॉक दे रहा है, कहीं दे रहा है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, केरला है या उत्तर प्रदेश है। तो मैं आपको बता दूँ इंडिया की वही स्टेट है जो लार्जेस्ट कवर है एरिया फॉरेस्ट यहाँ पे है, तो वो आपकी मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आती है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्गेस्ट डेट कौन सा रहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्या वो 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 21 अप्रैल। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर तो आपको पता ही है, तो ये रहता है आपका 21 जून। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी, सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी रिलेटेड टू साइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्नेस्ट हैंकल, ये तो जी एबलाइन, हचिनसन, होगो दे वेरिस, रॉबर्ट ब्राउन, तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ मैंने कई बार क्वेश्चन में करवाई हुई है, सब इंस्पेक्टर वालों को भी करवाई है और फाइनेंस अकाउंटेंट वालों को भी करवाई है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी की टर्म किसने कॉइन की, विनस हैकल थे। ओके, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आर एसोसिएटेड विद, फ्लैश फ्लड्स है वो किसके साथ रिलेटेड करते हैं, देखिए क्लाइमेट आपको टॉपिक है तो ये क्लाइमेट पर ही डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट नहीं है तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो होगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है सर, जी हाँ, तो आपको उसी में से क्वेश्चन आएगा। थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, स्टॉर्म, सुनामी, टोरनाडो, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका थंडर स्टॉर्म्स है, जो कि फ्लैश फ्लड्स के साथ, फ्लैश फ्लड जो एसोसिएटेड है वो थंडर स्टॉर्म के साथ एसोसिएट करते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, ओहो, इंदुस, यंगजी, हवांखो, गंगा, कौन सी रिवर है इसमें से। सर अगर मुझे आएगा कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर तो मैं आपको बोलूँगा गंगा, अगर मुझे पूछा जाएगा कि नॉर्थ इंडिया की कौन सी है तो मैं लिखूँगा गंगा, अगर मुझे पूछा जाएगा साउथ की कौन सी है तो मैं लिखूँगा गोदावरी, और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, जी हाँ सर, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। और इंदुस है, इंदुस का सर इंडिया, उसमें इंडिया में बहुत कम रोल है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी यंगतीजी जो रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। ठीक है, और यंगतीजी कौन सी कंट्री में है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो आता है कि बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड इज इन, बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट है वो वर्ल्ड की कौन सी है, क्या वो अटलांटिक है, आर्टिक ओशन की, इंडियन ओशन की या फिर पैसिफिक ओशन की है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, वो आप बोलोगे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ये आपको वर्ल्ड वाला, ये क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज के लिए नहीं है,
ये एफ ए वालों के लिए और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, ठीक है। अटलांटिक ओशन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है गाइज। तो होप सो आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट भी साथ में ज़रूर करना। और जो वर्क होमवर्क मैंने क्या दिया कि जो ये वकी जंगतीजी रिवर है कौन सी कंट्री में है, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और दिया आपको, जो क्वेश्चन था हाँ, एरागॉन के साथ कौन सी एक ऐसी वायर है जो यूज़ की जाती है आपकी बल्ब बनाने में, बल्ब की जो वायर होती है, ठीक है। सो गाइस, रखूँगा इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।